Hello, my dear students. Welcome in my YouTube channel of biology concepts. So, in this video lecture, we are going to discuss about female reproductive system, introductory part only, students. So, in this lecture, I am going to tell you about introductory part of female reproductive system. Okay. So, we are going to start here. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम लोग स्टूडेंट्स बात करें तो सबसे पहली बात यहाँ पर ओवरीज है। ओवरी का काम होता है ओवा को प्रोड्यूस करना, या फिर आप इसको एग भी बोल देते हैं, ओवम या फिर एग। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये काफी कॉम्प्लेक्स है, और अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वहां पे फर्टिलाइजेशन भी होता है और डेवलपमेंट दो काम होना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन दो रोल है, एक तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना है। स्टूडेंट्स आपको पता है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको ओवा के साथ फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करके जाइगोट को बनाना है। दूसरा यहाँ पे जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना है टिल बर्थ, एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू बर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पेयर ऑफ ओवरीज है जो कि एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं ये ओवरी है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, और नियर द किडनीज, और हर एक ओवरी में थाउजेंड ऑफ डेवलपिंग यहाँ पे क्या है, ओवेरियन फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स। ये जो ओवरी है ये ओवेरियन फॉलिकल्स को प्रोड्यूस कर रही है, और प्यूबर्टी के टाइम पे ये जो फॉलिकल्स से मैच्योर हो जाते हैं और ओवा को प्रोड्यूस करते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो दे विल प्रोड्यूस ओवा, और जो मैच्योर फॉलिकल होते हैं फाइनली रप्चर हो जाते हैं और इन ओवरी से ओवा को रिलीज करते हैं। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले लेती हूँ, ओवा को थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ओवा कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ओवरी से। और जो कि फर्टिलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स तो ये कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है फैलोपियन ट्यूब में। और जो फैलोपियन ट्यूब है ये जो ये वाला पार्श पोर्शन है इसी को हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोल रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब, और इसी को हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। फनल शेप्ड, यहाँ पे आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देख रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो ओवरीज हैं ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगी, एक तो ओवा को प्रोड्यूस करेंगी, दूसरी बात ये है कि ये फीमेल हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करती हैं, और उन फीमेल हार्मोन्स का नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दो हार्मोन्स हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से प्रोड्यूस हो रहा है। फैलोपियन ट्यूब की थोड़ी हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसको, देयर आर टू फैलोपियन ट्यूब्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे दो फैलोपियन ट्यूब्स हैं, वन ऑन ईच साइड ऑफ द ओवरी, हर एक ओवरी के एक साइड पर, एंड दीज आर नॉट अटैच टू ओवरी, ओवरी से अटैच नहीं है, दे हैव अ फनल शेप्ड ओपनिंग, आप देख रहे हैं फनल शेप्ड ओपनिंग है, और ये एग्स को रिसीव करेंगे जब ये मैच्योर हो जाएंगे। और ये जो ट्यूब्स हैं दे कैरी द एग्स फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस तक लेकर जाएंगे, दिस इज द यूट्रस वेयर देयर विल बी इम्प्लांटेशन प्रोसेस अकर्स। और अगर स्पर्म्स प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, और इस उस कंडीशन में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्टॉप हो जाएगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इट विल स्टॉप, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल फ्लो आकर होगा ह्यूमन फीमेल। यूट्रस की अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें, यहाँ पे यूट्रस है, यूट्रस का हम लोग एक और नाम है जिसको बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है, कई बार क्वेश्चंस में भी आ जाता है, वॉर्म। तो दो फैलोपियन ट्यूब्स एक ओपन हो रही है, थिक वॉल्ड मस्कुलर ऑर्गेन आपको यहाँ पे दिख रहा है, यूट्रस है ये। दूसरी चीज ये है, दिस इज द यूट्रस इन विच एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड, और यहीं पे इम्प्लांटेशन हो रहा है और डेवलपमेंट होता है 9 months अप टू प्रेगनेंसी। एंड द लोअर टिप ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स, जो यूट्रस की जो लोअर टिप है इसको हम लोगों ने स्टूडेंट्स बोला हुआ है सर्विक्स। ओके, और लास्ट में हम लोग बात करते हैं वैजिना की। यूट्रस ओपन हो रहा है, एक नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको हम लोगों ने वैजिना बोला हुआ है, दिस इज द वैजिना, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है स्टूडेंट से, और वेजिना जो है वो रिसीव करेगा स्पर्म्स को ड्यूरिंग मेटिंग, एंड इट इज एक्टिंग एज अ बर्थ कैनाल ऑल्सो,
बर्थ कैनाल की तरह भी काम कर रहा है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। एंड फीमेल्स हैव अ सेपरेट यूरिनरी एंड वैजिनल ओपनिंग। जो फीमेल्स होती है उनका जो यूरेथ्रा और वैजिनल ओपनिंग होती है वो सेपरेट होती है, कॉमन नहीं होती है। जैसा कि मेल्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉमन डक्ट होता है जो कि सीमेन और यूरिन दोनों को डिस्चार्ज करता है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टूडेंट्स। एंड आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर स्टडीज माई डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूअस सपोर्ट्स। कीप शेयरिंग माई वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एज मोर एज पॉसिबल। And very soon we will meet again with a new topic that will be gametogenesis in detail. So thank you, my dear friends. Take care, all of you.